हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल गेमिंग विद सोनू गोस। तो आज हम लोग खेल रहे हैं भाई माइनक्राफ्ट का वन ब्लॉक सीरीज। ये कौन सा है, पार्ट 8 है शायद भाई, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा। तो भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो भाई पिछली बार डिलीट हो गई थी यार, इस वजह से वीडियो लेट में आ रही है। तो भाई मैं बता दिया ऐसे ही। तो भाई मैंने ऑफलाइन जो है, अभी मतलब उस टाइम मैंने थोड़ी ट्रेडिंग की थी और ऑफलाइन मैंने वुड काटे हैं और थोड़ी सी और ट्रेडिंग की थी। तो भाई आज मेरा प्लान है कि थोड़े से टूल लिया जाए, ठीक है, टूल, डायमंड के टूल। अब आप कहोगे डायमंड के टूल कहाँ से आएंगे भाई, तो भाई मैं विलेजर है ना मेरे पास, तो उनसे मैं अब ट्रेडिंग करने वाला हूँ। और भाई देखते हैं आज मेंशन फेस ख़त्म कर देंगे, नहीं मैं मेंशन फेस नहीं ख़त्म करेंगे, आज दो तीन चीज़ करनी है, ठीक है भाई, मैं सब चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो भाई बाहर एक क्रीपर है तो उसको मार दूँ जब तक। तो भाई आप लोगों को मैं बताता हूँ अपना प्लान, तब तक अपना आज का प्लान क्या है भाई। तो भाई अपने इन पैरट्स के लिए हाउस बनाना है घर में ही, ठीक है, तो होगा तो बाद में मॉडर्न बना देंगे। तो भाई और दूसरा काम कि आप देख सकते हो फार्म जैसे कि, तो भाई इसको थर्ड लेयर करना है। मैंने सैंड ले ली है वॉर्डिंग ट्रिलर से, एक स्टैक मिली है, तो मुझको कैक्टस एंड शुगर केन की भी फार्मिंग करनी है, तो इस वजह से भाई बोल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अभी तीसरी लेयर भी लानी है। तो भाई मुझे एक क्रीपर को मार लो जल्दी से। तो भाई मेरी स्किन भी थोड़ी सी चेंज हो गई होगी, आप देख सकते हो चाहे तो, चलते हैं, ठीक है। तो इन पैरेट्स के लिए अभी घर बनाने का सामान लेकर आता हूँ गाइस, तीन पैरेट्स हैं, चार चाहिए तो मज़ा आ जाता। चलो गाइस बनाना शुरू करते हैं, सामान लेकर आता हूँ जब तक। तो गाइस सामान लेकर मैं आ गया हूँ यार, ठीक है, तो बनाना शुरू करते हैं। तो ये ऐसा बनाऊंगा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है यार, ऐसे अच्छे लगेगा, तोड़ देता हूँ यार, ज़्यादा सही है, एक्स भी नहीं लाई। चलो यार बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे और स्लैब लगाना मुझको, हाँ ये लगा देंगे ना पहले, तो इन पे मेरे पैरेट्स रहेंगे। ओके गाइस आप लोग समझ रहे होगे प्लान मेरा, होगा तो आगे जाकर इनका बदल लूँगा भाई, अजीब मुझे लग रहा है इस टाइम, जैसा मैंने प्लान बनाया ना शायद अजीब लगे ही इस घर में। मैं क्या करूँगा ना इनके लिए, मैं बाहर घर बना दूँगा, शीशे के अंदर रहेंगे तो फुल प्रोटेक्ट रहेंगे, ऐसे अभी नहीं बनाऊँगा यार, अभी यहाँ कुछ करने लायक हूँ नहीं मैं, ठीक है। तो विलेजर्स भी आ चुके ही हैं। तो भाई मेरा है कि दो, अभी इसके बाद आएगा स्ट्रॉन्ग होल्ड, फिर उसके बाद एंड आ जाएगा। तो भाई मेरा प्लान ये है कि आज मुझको आधा फेस कंप्लीट करना है, दो के आधा फेस, यानी आज मेंशन भी कंप्लीट करना है और आधे से ज़्यादा वो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड आएगा अभी इसके बाद। तो मैंने सुना है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड आएगा आगे, लास्ट फेस मुझे जल्दी नहीं पता है, ठीक है। तो चलो यार जल्दी से बनाते हैं इसको, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप वो स्लैब लगाना है ना गाइस, तो यार जब ब्लॉक हो जाता है तो वो ब्लॉक बन जाता है, इतनी हाइट पे रहेगा गाइस, फिर समझ गए भाई, इतनी हाइट पे रहेगा, नहीं दो ब्लॉक की हाइट। सोच ही रहा था कि इनको भाई जब भी मैं जाता हूँ लात मार देता हूँ, मैंने सोचा इनके लिए घर ही बना दूँ यार, ज़्यादा अच्छा है, तो इस वजह से मैं इन लोगों के लिए घर बना रहा हूँ यार, ठीक है। तो मेरा प्लान वही रहेगा, अभी इनने तो पोर्टल ओपन करना, लेकिन उससे पहले मुझे टूल की ट्रेडिंग करनी, तो उसको बनाने के बाद मैं इसके फिर टूल की ट्रेडिंग करूँगा गाइज, ठीक है। तो बनाते हैं यार, तो अब चढ़ाने में बहुत बड़ी दिक्कत है यार, इन लोगों को चढ़ाना बहुत हार्ड है। तो ऐसे करके आप लोग लैम्प भी बना सकते हो, बस इसी का फ्लिप मार दीजिए नीचे, मतलब वो क्या बोलते हैं,
अरे यार भाई क्या नाम था, अरे नीचे नीचे फेंस लगा दीजिए गाइस, ठीक है, नीचे फेंस लगा दीजिए, और फिर जो है ऊपर या आप ग्लोस्टोन लगा दीजिए, या स्टोन वो लालटेन बोलते हैं ना, सी लालटेन लगा दीजिए, या फिर श्रूम लाइट लगा दीजिए, ये तीन होती हैं ब्लॉक में लाइट, तो ऐसे लगा के आप लोग ऐसे करके डेकोरेट कर सकते हो भाई, जैसे आपने बहुत बड़ी जगह ली है बीच बीच में ऐसे लगा दीजिए, बहुत सुंदर लगता है गाइस। तो मैं भाई एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ भाई, सर्वाइवल वर्ल्ड की सीरीज़ जो है वो नेक्स्ट पार्ट में 100% आने वाली है, तो भाई उसमें मुझ अभी मैं तो घर बना रहा हूँ भाई, मैं पहले बता दूँ, उसमें मैं घर बना रहा हूँ, ठीक है गाइस, घर बना रहा हूँ, तो घर बनाएंगे तो फिर अभी बहुत दिक्कत हो रही है ना भाई, मॉब बहुत तेज़ स्पॉन हो जाते हैं और रात बहुत तेज़ होती है, आपको पता ही होगा, तो भाई दिक्कत इसी वजह से हो रही है कि मॉब जो है बहुत तेज़ स्पॉन हो जा रहे हैं, मेरी ज़मीन पूरी ख़राब हो जा रही है, फिर भरना पड़ रहा है, तो इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। तो भाई उसकी वीडियो मैंने किसी की वीडियो नहीं ली है भाई, अगर आप ना मैं ले भी लेता ना, लगभग कितना दिन हो गया, एक महीना हो गया शायद, यार भाई क्या करूँ यार, मन ही नहीं कर रहा है भाई, उसमें आप जब भी जाओगे मॉब मॉब दिखेंगे यार, अब उनको मारो कुछ, तो जब कपड़ा पहन लें तब झलक जाती है, क्रीपर एक बार ठीक है मैंने, तो भाई मैं कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूँ मैंने उसमें की है जब तक ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मैं बता दूँ कि जो मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड की सीरीज़ है जिसमें मैंने किया है कि मैंने विलेजर से बहुत सारी ट्रेडिंग कर ली, मैंने टूल में वो निकाल लिया, क्या बोलते शॉवल, और वो तीन विलेजर और वहाँ के विलेजर से सबकी ब्रीडिंग करवा के बहुत सारे विलेजर कर लिए, ठीक है गाइस, वो तो हुआ अलग बात, बाकी और कुछ भी नहीं किया है, एक डॉग मेरा टेम था वो टेम है, ठीक है, तो बाकी और कुछ नहीं किया है, फेंस लगा दिया है हर तरफ से, चारों तरफ से कवर है बस, और टॉर्चेस बनाना है, टॉर्चेस के लिए मैं चारकोल ही बना रहा हूँ गाइस, अब भाई कोल के लिए जाना पड़ रहा है, कोल मिल नहीं रहा, ठीक है, कोल मिलता है साला एक घंटा टूटने में लग जाता है, अब देखेंगे तो भाई आपके सामने फॉर्च्यून 3 लाऊंगा। तो भाई मेरा इस एपिसोड का तो प्लान है यही है यार, मुझको ख़त्म करना है यार, बहुत जल्दी इसको ख़त्म करना है, इस सीरीज़ के बाद मेरी फिर सर्वाइवल वर्ल्ड की ही सीरीज़ चलेगी, क्योंकि भाई मैंने इसका देखा है कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ख़त्म करते ही हैं फिर चलाएँ सर्वाइवल वर्ल्ड, लेकिन मैंने सोचा कि लाते हैं यार एक दो बार तो ले आए, तो भाई इसलिए तो अब दूसरे पैरेट को लेकर चलते हैं, एक तो मेरे कंधे पे बैठा है गाइस, आप लोग देख लियोगे जब मैं क्राउच हुआ हूँगा, पता नहीं कैसे बैठ गया, तो यार पता नहीं क्या, चल यार भाई आ जा, अरे ये लोग एक ब्लॉक पे डायरेक्ट चढ़ते नहीं है, स्लैब पे तुरंत चढ़ जाता कोई भी मॉब हो, चलो यार देखो भाई चढ़ गया, इसी वजह से स्लैब स्लैब करके आप लोग कि जो बैठा भी हो चढ़ा सकते हो, बहुत इजीली चढ़ा सकते हो, सीढ़ी भी लगा सकते हो, लेकिन सीढ़ी में कोई चढ़ता नहीं है, मैंने देखा तो है, मुझे 100% पता नहीं है भाई, ठीक है, तो ये चढ़ गया दूसरा पैरेट, चारों खोल दूंगा या फिर बंद कर दूंगा यार, ये लीजिए घर बन गया, तो भाई जब मेरे पास एंड्रॉइड आ जाएगी ना तब इनके लिए मैं घर बना सकता हूँ एक तगड़ा सा, तो भाई क्या करना रहता है, इन लोगों को एंड्रॉइड पे आप बैठा दीजिए, तो उनको मतलब एंड्रॉइड पे इन लोग जब खड़े हों तो उनको बैठा दीजिए, ऐसे तीन एंड्रॉइड पे कर दीजिए, तो बहुत ज़्यादा सुंदर सा घर बना के, ये भी मैं अपने फ्लैट वर्ल्ड में ही आपको दिखा दूंगा, ओके गाइस, तो बैठाने में झंझट ही है लेकिन आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, तो वो तो है ही है, तो अभी ये है मेरा पैरेट उतर गया, चल मुझको ये मेरा पहला पैरेट था, तो मैं बता दूँ कि आप लोग देखे नहीं होगे जंगल फेस वाला भाई, तो मेरा सबसे पहला पैरेट था ये रेड वाला, फिर उसके बाद आया मेरा ये, फिर उसके अरे जो ग्रे और येलो कलर का है, ठीक है, वो आया मेरा दूसरा पैरेट है, तो भाई पैरेट्स के नाम सजेस्ट करो यार कमेंट में, कैसा लगते हैं पैरेट्स के नाम बताओ यार, ठीक है पैरेट्स के नाम बताओ कमेंट में, तो उनको अगली बार देने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरा वो हो गया ना लाइब्रेरियन,
ठीक है, या तो मैं भी सोचूंगा यार कम। ठीक है यार, चल। तो गाइस यार हो गया, सो लिया मैंने इसी के साथ। ठीक है, तो काम हो गया अपना। अब क्या करें, अब इसको धक्का दे दे थोड़ा सा ना गाइस, बीच में बैठा देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो हो गया काम। अबे यार वो दे, अबे यार तुम सब क्यों हिल रहे हो भाई? अबे मुझे ग्रीन वाला, अरे यार भाई करने के बाद ही आपसे मिलता हूँ गाइस। तो भाई इसी के साथ मैंने इन लोगों को बैठा दिया, जैसे तैसे बैठा दिया भाई। तो ये रहा मेरा फाइनल प्रोडक्ट, आप मैं देख सकते हो, चाहे तो बहुत सुंदर है। तो इसको भी खोल ही दिया। ठीक है, तो भाई बताओ यार कबे कैसा लग रहा है, तीनों का नाम भी बताओ। ठीक है, तो भाई टर्टल्स की जो ब्रीडिंग करवाए थे वहाँ पता है एक जॉम्बी स्पॉन हो गया, सारे एग्स फोड़ दिया। जिनको नहीं पता, अगर टर्टल के एग होते हैं वो जॉम्बी या ड्रोन जो भी स्पॉन होगा तो वो तोड़ देगा। तो बेस्ट वे ये है कि वहाँ पे हर तरफ लाइट अप कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा आपका, फिर एग बच जाएगा। ओके ठीक है, फिर नीचे हम चलते हैं यार। चलो इनका घर बनेंगे ऐसी के साथ, चलते हैं यार क्या किया जाए। चलो यार ट्रेडिंग करते हैं फिर, क्या सामान वामान लेकर आपसे मिलता हूँ। तो भाई सारा सामान मैं लेकर आ चुका हूँ यार, चलते हैं अब अंदर हम लोग ट्रेड करने। तो भाई चेस्ट ले ली कि वहीं पे सामान रख दिया करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। पता है एक चीज़ मैंने नहीं बताई कि मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ की थी, एक एक विलेजर को मैंने जॉम्बी से कटवाया था, तो उसने ट्रेड तो कम कर दी लेकिन बाकी सब ने भी ट्रेड कम कर दी। मुझे ये ग्लिच है कि पता नहीं कैसा है। तो भाई इससे आप लोगों को एक फ़ायदा है कि अगर मतलब एक दो दिन, मतलब इस माइनक्राफ्ट के एक दो दिन में अगर विलेजर साथ में रहेंगे तो अच्छा है, अगर जैसे रहेंगे एक को कटवा दोगे तो सारे ट्रेड कम कर देंगे। ये मुझे नहीं पता था गाइस, एकदम 100% नहीं पता था। तो भाई जब मैंने इसको क्योर भी किया था ना भाई। ठीक है, तो भाई अब चलते हैं हम लोग वापस से, ट्रेड कर लिए तो चलते हैं, कुछ सामान लेकर आता हूँ यार। मैं सामान ही भूल जाता हूँ, जब देखो सामान भूल जाता हूँ, सामान भुलक्कड़ हो जाएगा मेरा नाम तो यार। तो भाई अभी और लाइब्रेरियन करने थे यार, मैंने उससे कम भी करवा दिया ट्रेड, भाई मेरे साथ बहुत बड़ा गलती हो गई। तो दो तीन लाइब्रेरियंस बनाऊँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा उनकी ट्रेड ही कम करवा दूँगा। तो भाई फार्मर है जो कि मुझे आलू से ट्रेड कर रहा है। अबे यार क्या चल रहा है। तो भाई एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि विलेजर यहाँ पे आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। आप लोग यार बताओ यार, विलेजर्स यहाँ क्यों नहीं आते? ओह ये रहा विलेजर्स, और विलेजर्स आयरन गोलम भी नहीं स्पॉन कर रहा भाई। यहाँ पे लगा दिया चेस्ट, ये खुल रहा है। ओके चलो यार ट्रेड किया जाए, ये है टूल इसमें। तो भाई यही से हम लोग ट्रेड कर रहे थे। अभी इसके लिए मुझे फ्लिंट चाहिए, फ्लिंट दे दे भाई, फ्लिंट, फ्लिंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। ठीक है, स्टिक्स भी ले लेता हूँ गाइस, बहुत अच्छी ट्रेड, सही है वे, ट्रेड अच्छी देता है यार तू। देख भाई एक स्टिक की ट्रेड, भाई वो कंगाल नहीं हो गया होगा भाई? एक स्टिक में एक एम्ब्रेल की ट्रेड सबसे बेहतरीन ट्रेड है। ठीक है, तो ये हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो भी मुझे इससे काम है, हाँ इससे काम है, स्टिक से ट्रेड इसकी भी कर देते हैं। ठीक है गाइस, ये भी स्टिक से ट्रेड हो गया बहुत सारा। भाई फ्लिंट इसमें नहीं इस्तेमाल करना, टूल स्मिथ भी मांग रहा है इस वजह से। टूल स्मिथ इधर आ जाओ। तो भाई आर्मर वाला जो है ना वो नेक्स्ट टाइम करेंगे अब। ठीक है, तो अभी तो चलो ये है खुल गया। तो भाई शॉवल दे रहा मुझको क्या, फॉर्चून 2, अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 3। भाई एक एमरल्ड में भाई साहब, रिच, आई एम अ रिच बॉय। ओ भाई क्या गजब है भाई, वाह। मैं इसकी ट्रेड देख रहा हूँ भाई, एफिशिएंसी 3, अनब्रेकिंग 3 और फॉर्चून 2, सारे इसका ले लिया भाई। चलो भाई इसे फ्लिंट की ट्रेड पूरी ख़त्म कर दें, डायमंड में एमरल्ड कौन देगा भाई? देखते हैं यार, अच्छी इंचमेंट देना पिकैक्स में भी, घटिया
घटिया बर्बाद है तू, लेकिन मुझे चाहिए क्योंकि मुझे अभी। तो भाई नेक्स्ट टाइम हम लोग बनाने वाले हैं एन्चेंटमेंट टेबल, या इसी टाइम मैं बना दूंगा, ठीक है? तो वो तो देखा जाएगा, नहीं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। और थोड़ी चीज़ें भी अभी तक मैंने अपने पांडा के लिए कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ। वो चीज़ देखो भाई, जितनी चीज़ें वैसे ही रख दूंगा, ठीक है? जैसे पांडा वांडा के लिए ना, वो सब मैं एंडिंग में करूँगा, एंड में सबके लिए मैं हर चीज़ अच्छा अच्छा बना दूँगा, ठीक है? तो भाई मैं जब तक मतलब वाटर से ऑब्सीडियन बनाता हूँ, फिर तोड़ने तक आपसे मिलता हूँ, ठीक है गाइस? लावा को ऑब्सीडियन बना दिया गाइस मैंने। इसको क्यों किया है तो मैं अभी बता दूँ भाई, ठीक है? तो मैंने इसे इसलिए किया है भाई कि जब ये ऑब्सीडियन मैंने इसलिए बनाया है कि मैं नेदर पोर्टल जा सकूं और अपने फार्म को बढ़ाना मुझे। तो भाई हर चीज़ मैं करूंगा यार, हर चीज़ मैं फार्मिंग नहीं करूंगा तो ऐसे लगेगा सूना भाई, तू तो कुछ किया ही नहीं है। तो भाई इसमें एक चीज़ है कि वन ब्लॉक में जैसे भूख लगती नहीं है इसमें, जैसे मुझे लगता है भाई। एंडर ड्रैगन देखेंगे यार, एंडर ड्रैगन को तो बहुत देर में मारेंगे। चलो भाई ऑब्सीडियन को तोड़ते हैं जल्दी से, लेकिन लाइट अप कर दे भाई, यहाँ रात हो रही है, ऐसे ही मेरी एल लग जाएगी उसे तो। यार कितनी टॉर्चेस भाई मैंने लगाई है, इसीलिए ना मैंने ऐसे ही भर के लगाई है उसमें अपने माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वर्ल्ड में। सोचे थे कि हर चीज़ इसके अंदर बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन नहीं बना पाया। तो भाई तोड़ता हूँ जल्दी जल्दी, फास्ट फॉरवर्ड में। तो भाई इसी के साथ सब चीज़ तोड़ दिया यार, ठीक है? तो आप लोग देख लियोगे। तो यार चलते हैं घर ही, घर चले के कहाँ चले? टॉर्चेस कम लग रहे हैं भाई मेरी, टॉर्चेस कहाँ गए बाकी? यही यार पानी डाला, मुझे पता था कि चला जाएगा, मैं पहले धीरे डाला था भाई, उस सीन को मैंने कट कर दिया था, ठीक है? तो भाई पहले मैंने पानी धीरे डाला लेकिन कुछ काम ही नहीं हुआ। चलो चलते हैं, वहाँ एक बॉन्डिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया था तो उसको मार दिया, वहाँ मेरी एक फेंस भी हटी हुई है भाई। ये आपको खेती नहीं दिखाया मैंने, ठीक है? तो मैं अपनी खेती दिखा दूँ थोड़ी सी, तो यहीं से देख लो भाई, अभी रात हो रही है, पता नहीं वहाँ अभी वो भी लगा दिया। तो नेदर पोर्टल एक्टिवेट करने का वक्त आ गया भाई, यहाँ एक्टिवेट करते हैं, ओके? यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं, ये लगाया यहाँ पर, ये लगाया यहाँ पर कि भाई ऑब्सीडियन कितना सुंदर लग रहा है। वैसे एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें मतलब नेदर में जल्दी कोई भी वो नहीं चलता है, क्या बोलते हैं, अरे यार टेक्सचर पैक भाई, इस वजह से जल्दी मैं चलाऊँगा ही नहीं, इसलिए मैं बंद करने के बाद ही आपसे मिलता हूँ गाइस, ठीक है? बंद करने के बाद आपसे मिलूँगा, अब कोई चारा भी नहीं है तो ठीक है यार। मैं फ्लिंट बना के एक्टिवेट करके और अपना टेक्सचर पैक हटा के आपसे मिलता हूँ। तो गाइस इसी के साथ मेरी सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है भाई, आपको दिखा दूँ तो आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तलवार तक पूरा मेरी तैयारी हो चुकी है। अब हम लोग चलेंगे नेदर में, भाई बहुत डर लग रहा है मेरे को, क्या होगा वहाँ पे घास भाई, कहीं पे ऐसी जगह उतार देना कि पास में ग्रेवल हो, यार बहुत डर लग रहा है गाइस। चले आइए हम लोग, चल दिया भाई, दम्मू कर लेते हैं, पता नहीं क्या हो। अबे चल यार, नहीं पहुँचाएगा क्या? गाइस उतर गए एक बार तो फिर चलते हैं, ठीक है? ठीक है चल बे। हाँ यार गाइस अभी मैंने ध्यान दिया कि फ्लिंट है नहीं स्टील है, और मेरे पास फ्लिंट भी नहीं है गाइस फ्लिंट ही नहीं है, फिर पता क्या होगा गाइस? फिर मैं ये बच्चा जो है, फिर वो पता नहीं क्या होगा, फिर डिस्पेंसर वाला काम करना
ना डिस्पेंसर नहीं, डिस्पेंसर वाला भी काम नहीं कर पाएंगे। हाँ चलो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा गाइस, फिर इसी के साथ हम लोग हार जाएंगे। चलो यार चल जल्दी, अब तो चल ले। चलो गाइस हम लोग पहुँच गए नदर में, अब क्या होगा हम लोगों के साथ देखा जाए। जल्दी यार चल चल ले मेरे भाई, क्यों नहीं चल रहा है? देखो भाई क्या हो रहा है। चलो इसी के साथ पहुंच गए। और मैं कहाँ पे स्पॉन हुआ हूँ? ओह अच्छी जगह नहीं है, लावा के पास स्पॉन करवायो। और भाई ओह शिट, यहाँ लावा ऐसे ही है, पता नहीं क्या चल रहा है। यहाँ ब्लास्टा का ये पूरा बना हुआ है गाइस, वह बहुत डर लग रहा है यार, यहाँ कोई है तो नहीं? हेलो हेलो भाई, सामने ग्रेवल है, आप लोग देखना, अभी दिखाता हूँ मैं भाई, वहाँ तक ब्रिज आउट करता हूँ पे भाई। चलो यार कम से कम ग्रेवल वाली जगह पे स्पॉन हुआ हूँ तो भाई मेरा फ़ायदा है कि ग्रेवल ब्रेवल भी मिल गया यार फ़ायदा। जल्दी जल्दी चलते हैं, ये देखो भाई ग्रेवल ही ग्रेवल मिल गया इसी के साथ, तो यार कितना अच्छा है। इसको वहाँ तक कर देता हूँ डबल लेयर गाइस, अच्छा रहेगा, डबल लेयर में जल्दी कर पाएंगे। अबे क्या दो टो कॉबल स्टोन मेरा चला गया यार गाइस, जल्दी चलते हैं। तो बन रहा है ब्रिज, अरे यार एक कॉबल स्टोन की कमी है। चलो गाइस काम हो गया अपना, चले क्या नेदर में? अरे नेदर में ही तो है, बस देखो भाई दो दो खास स्पॉन, भागो भागो गाइस। इस एंडरमैन को अब छेड़ते हैं, कोई फायदा है नहीं वैसे भी, इसको मारते हैं साले। एंडरमैन हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, मारा भाई मारा मुझको पीछे से, हट भाई। मैं टैप करता रहता हूँ, टैप करूँगा, देखते हैं मार पाते हैं कि नहीं गाइस, चेक करते हैं, मार लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ है एंडरमैन? डर गई क्या मुझसे भाई? आवाज़ भी नहीं आ रही, आवाज़ बढ़ाने का फायदा है नहीं गाइस क्योंकि बैटरी लो है मेरी। भाई कहाँ मैं? अबे यार इसी के साथ हम लोग मर गए, और यहाँ पता नहीं क्या ग्लिच चला, ठीक भी हो गया। चलो यार तो भाई मेरा पैरेट का घर देखो कैसा सुंदर सा है, तो मुझे एंड्रॉइड चाहिए पैरेट का घर बनाने के लिए, मतलब ठीक है। तो अब वापस वहाँ का फेंस भी टूट गया, नीचे चलते हैं अब नेदर में चलते हैं हम लोग। तो भाई मैंने सोचा है कि मैं फास्ट फॉरवर्ड चला देता हूँ भाई, बड़ा वक्त लग जाएगा, ऐसे ही मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है और लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं फास्ट फॉरवर्ड में चला दूंगा गाइस, ठीक है।
तो भाई मैं फिर से सीन यहीं पे काट दूंगा भाई, क्योंकि यार देखो फिर से मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके अब मैं नहीं दिखाने वाला, बड़ा वक्त लग जाएगा, फिर नेदर में जा रहा हूँ, ठीक है? तो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, यहीं से सीन हो जाएगा कट। तो भाई से ट्रेड करते हैं हम लोग यार, चलो अंदर चलते हैं। ओ बे तेरी क्रीपर कैसे, बे यार तबाही मचाई क्या भाई क्रीपर भाई भाई, दोस्तों तुम्हारा भाई 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 डिस्पोन हो जाओ भाई। बे यार ये रहा यार, देख दरवाजे पे खड़ा हो के क्या कर रहा है यार, छोड़ दो भाई भाई मेरी एल लग गई, मेरे तो एल लग गए भाई। अबे भाई रात भी हो रही है, क्या चल रहा है यार तुम, क्या है मेरा नेदर पोर्टल, ये लिंक कैसे टूट गया? मुझको लग रहा है मैं आ रहा हूँ शायद घास ने अटैक कर दिया होगा भाई, फिर से एक्टिवेट कर दूँगा। अबे यार ये क्या चल रहा है यार मेरे साथ, क्रीपर भाई, क्रीपर भाई दोस्त है हम दोनों, दोस्त क्या है हम लोग दोस्त, यहाँ पे आ गया है लग रहा मुझको। अबे दरवाजे को पार करके आ गया, ग्लिच है ना, फूटना मत। एक तो नीचे भी क्रीपर है, दो तो क्रीपर है नीचे, वो देखो भाई मेरा सारा खराब कर रहे हैं ये क्रीपर, भैंस की आँख। क्रीपर के लिए मुझे करना पड़ेगा गाइस, कुछ करना पड़ेगा मतलब। बे यार क्यों यार मेरे ही साथ हो रहा है, चलो यार अंदर ही चलते हैं हम लोग, उसे ट्रेडिंग भी करनी थी यार। क्या चल रहा है मेरा सीन ही गलत है, चलो यार क्रीपर्स को भी मार दिया जाए वरना वो और तंग करेंगे ये लोग। अरे भाई वहाँ टॉर्चेस लगी तो भी उस जगह पर स्पॉन हो जाते हैं, पता नहीं कैसे इन लोगों के पास कौन सी शक्ति है भाई। लामू इसका मैंने नाम रखा है गाइस, लामू कहाँ गए, मर गए दिनों का आप हो गए गाइस। चलो भाई नेक्स्ट टाइम हम लोग पांडा लैंड बनाएंगे, पांडा लैंड नहीं बनाएंगे वैसे, अगली बार हम लोग फेस कंप्लीट करना है। इस बार तो हम लोग पूरा नेदर में टाइम गया और इधर टाइम गया, हर तरफ टाइम ही जा रहा है मेरा, कम से कम आधे डेढ़ घंटे ही वीडियो हो गई है। तो यार उसे ट्रेड करना है, चलते हैं ट्रेड करते हैं उससे यार गाइस, ठीक है? तो चलो यहाँ इठो और चल भाई चल चलते हैं उसे, अच्छी खासी ट्रेड कर लेंगे। ये यहाँ पे कैसे है, ये भी डोल दिया यार मैंने इधर। अबे यार मेरा इतना अच्छा सेट था कि तुम लोग तोड़ते ही जा रहे हो भाई, रुक जा ट्रेड दे दो यार, सैंड की ट्रेड दे रहा है। तो भाई ये यही से मैंने ऐसे ही करके मैं सैंड का मतलब ख़रीद रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो मैं अभी सैंड ख़रीद लूँ, ठीक है? अबे तेरी गिर गया, सुसाइड कर लिया भाई, इसने सुसाइड कर लिया। अरे भाई कूदने की क्या ज़रूरत थी तुमको, मरो भैंस। ए यार
चलो कोई है तो नहीं। अभी बहुत डर लग रहा है, मैं गिरूंगा ऐसा लग रहा है मेरे को बार बार। तुम लोग मरो, कोई चारा ही नहीं है। देखिए तुम लोग का निशाना इतनी दूर से है, परफेक्ट वो आया। अबे तेरी लग गया भाई, परफेक्ट निशाना। ये लगी वैस क्या, ये लगी, ये लगी। मरो तुम लोग, वो मरा एक हो ले वॉन्डरिंग ट्रेडर, ट्रेड अच्छी नहीं देता है तू। चल तू भी निकल, निकल वे निकल, चल निकल। निकल लिया, मार नहीं पाया लास्ट वाला। चल अब तुझे मारता हूँ, रुक तुझसे ट्रेड कर लूँ थोड़ी सी। मुझको वो चाहिए बीट रूट सीड। और क्या दे रहा है भाई बीट रूट सीड के अलावा? और दे रहा स्लाइम बॉल। हाँ स्लाइम बॉल ले लूँगा यार, रुक जा। तुझसे बीट रूट सीड एक ही चाहिए, क्यों मैं अपना वेस्ट करूँ। लेकिन मुझे स्लाइम बॉल चार में दे रहा यार, क्या किया जाए। ले लेते हैं, हम लोग के पास एमरल्ड की कोई कमी नहीं है गाइस, कमी नहीं है। कमी होती है तो तुमको हेडशॉट दूंगा। तो भाई अंदर घुसते हम लोग। तो भाई ये रहा, तो तुम लोग से ट्रेड किया जाए। ये मेरा आर्मोर है, इससे मैं थोड़ी ट्रेड्स कर लूँ। खुला नहीं है, रुक जा एक बेल ले लूँ तुझसे। गाइस बेल ले ली मैंने इसे, तो भाई यहीं पे बेल लगा देते हैं हम लोग। ठीक है बेल लगा दिए इसके साथ, अब ये लोग कनेक्ट हो जाएं उससे अच्छी बात है। फिर हम टंग टंग मारेंगे, सब डर जाएंगे। भाई देखते हैं यहाँ पे वो नहीं स्पॉन हो रहा है भाई, रेड वाला क्या नाम है उसका, प्लेजर। हाँ प्लेजर, वो स्पॉन ही नहीं होता है। है यार मेरे तोतों का नाम बताओ यार गाइस कमेंट में, क्या नाम रखेंगे। ये सेट कर ले भाई, और ये चेन मिल चेस्ट प्लेट खुले, चेन मिल, चेन मिल। चलो यार सेट कर लिया जाए। ठीक है लीजिए, ये भी हो गया। अनब्रेकिंग वन की लेगीज दे रहा, चलो ले लेते हैं सारा का, भर लेते हैं। तीसरा भी ले लिए। अबे और नहीं दे सकता था, लावा का बकेट लूँ वाला तुम नहीं करेंगे भाई। तीन आयरन लेगा, तीन आयरन में प्लस अभी जैन नदर में लावा ये कर रहा है क्या यार। बकेट भी जाता, बकेट दे देता एक बार, ठीक था बकेट चलता दे देता। लावा ले लो यार, बकेट दे दो। ठीक है तो सबको रख देते हैं भाई, कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है तो ये रख दिया एमरल्ड, एमरल्ड भी ये रख दिया, ये भी, ये फेदर। मैं अभी रेडी कर लेते हैं गाइस। ठीक है तो भाई मैं ट्रेड कर रहा हूँ अभी तो। ठीक है चलो हो गया, फिर ट्रेड करते हैं। बीट रूट सीडें ही हैं और 16 ही सैंड ले पाए, दो ही बार ले पाए बस, दो एमरल्ड मेरा गया। ठीक है तो भाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप लोग देखो यार यहाँ से होगा मेरा फास्ट फॉरवर्ड शुरू। भाई डायरेक्ट आपसे वहाँ मतलब वहाँ लगाते समय मिलूँगा भाई। ठीक है तो भाई वक्त लगेगा ही यार। ठीक है चलो यहाँ से होगा मेरा सीन कट। सो गाइस मैंने माइन करके, मैं मतलब माइन करके आ गया भाई, इतना कुछ कर दिया है। तो भाई यहाँ से आप लोग वीडियो देखो यार, बहुत लंबी वीडियो हो गई है वैसे तो। अभी इसका लग रहा है थर्ड पार्ट आएगा, क्योंकि अभी सैंड वाला भी बनाना है मुझको। ठीक है तो उसका तो देखा जाएगा गाइज। चलो अब
यहीं से होगा फास्ट फॉरवर्ड शुरू। तो भाई कंप्लीट हो गया इसी के साथ, यार लास्ट सीन देखते हैं। मुझे स्क्रीनशॉट भी लेना, तो स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ भाई थंबनेल बनाने के लिए। ठीक है तो भाई थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यार अभी रुकिए, देखो भाई कितना प्यारा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट बताओ कैसी लगी। एंड आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।